अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। हम करो फर्क डीजल पेट्रोल गैस का दाम, कम करो कम करो। हम करो पेट्रोल डीजल का दाम, कम करो कम करो। होश में आओ, डीजल गैस का दाम कम करना होगा, करना होगा करना होगा। डीजल गैस का दाम कम करना होगा, करना होगा। सुप्रिया जिंदाबाद, डीजल गैस का दाम कम करना होगा, करना होगा। डीजल गैस का दाम कम करना होगा, करना होगा करना होगा। सरकार मोदी सरकार, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी तानेशाही, नेक्स्ट चलेगी नेक्स्ट चलेगी। मोदी तेरी तानेशाही, नेक्स्ट चलेगी नेक्स्ट चलेगी। पार्टी की जानिब से आज चंद्रनगुटा हल्के के अंदर पेट्रोल डीजल गैस का जो दाम बढ़ गया है, इस उसके ख़िलाफ़ में हम एहतजाज करते हैं। पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम करना बल्कि आज ये एहतजाज यहाँ पर हो रहा है। इससे दो महीने पहले से जो कंटिन्यू पेट्रोल का दाम 20 पैसे 30 पैसे लेके आज 102 रुपये का पेट्रोल लीटर हो गया है। गैस का डीजल का भी रेट बढ़ गया, गैस का भी रेट बढ़ गया। हर एक दिन 25 पैसे 4 आने ऐसा बढ़ाते हुए 2 महीने से कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ से लॉकडाउन चल रहा, एक कोरोना की महामारी के टाइम पर पब्लिक परेशान है। उस परेशानी की हालत में केंद्र सरकार ये गरीब लोगों के बला के जो है पेट्रोल का रेट जो बढ़ाकर आम आदमी को जो परेशान कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। आज देखिए 102 रुपये यहाँ पर पेट्रोल का रेट है। डीजल का रेट 97 के ऊपर होगा, 100 के करीब होगा। गैस का रेट 1000 रुपये के करीब होगा। अगर बाजू देशों में जाके देखो, छोटे छोटे देशों में जैसे श्रीलंका है, अपना ये हर छोटी छोटी कंट्रीज में यहाँ पर यहाँ से पेट्रोल जाता है, वहाँ पर कम रेट है, यहाँ पर 102 रुपये, यहाँ 102 रुपये। एक तरफ यहाँ पर काम नहीं मिल रहा पब्लिक को, बेरोजगारी है, वैसे टाइम पर आप इसके पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ाकर पब्लिक का जीना मुश्किल कर दिया। हमारा CPI पार्टी की तरफ से हम डिमांड करते हैं फौरी आप जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं उसको फौरी कम करना बल्कि हम डिमांड करते हैं। अभी हमारे चीफ गेस्ट है ईटीनल सेवा साहब, हमारे सिटी के सेक्रेटरी है, उनसे मेरा मुतालबा है आपके ख्याल का इजहार आपके सामने रखेंगे।